इस राज्य में लाखों युवाओं का उनका दहन की है, उनके अरमानों का उनका दहन की है। इसीलिए हम लोग सरकारी भूमिका में बहिष्कार करेंगे। जो विधानसभा में आज जो इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, ये उत्सव किस लिए? ये इस राज्य के करोड़ों युवा जो हैं उनके अरमानों को, पहले आपने उनको 3.5 साल तक ठगा कि हम नौकरी देंगे, उसके बाद पहले आपने कहा कि 32 में हम हो नहीं सकता, उसके बाद आप अचानक 32 लेकर के आ गए। सभी ने आपका सहयोग किया, समर्थन किया, हाईकोर्ट ने उसको निरस्त किया, सदन चल रहा था, आपको बताना चाहिए था कि सदन में के क्यों क्या हाईकोर्ट का क्या ऑर्डर आया और आप क्या नीति लाने जा रहे हैं। तो ये सदन जब चल रहा हो तो इस तरीके से कैबिनेट में चुपचाप पास कर देना, ये कहाँ पर उचित है? उनके अधिकांश विधायक जो पक्ष सत्ता दल है उनको पता नहीं है कि क्या हुआ। आपने देखा होगा सदन के पटल पर लोबिन दास ने भी ये क्वेश्चन किया है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ पता नहीं। तो इसीलिए चूंकि राज्य के करोड़ों युवाओं को इन्होंने धोखा दिया, इसीलिए हम लोगों ने सरकारी होली का बहिष्कार किया। ठीक है, बगैर सदन को कॉन्फिडेंस में लिए कि हाउस चल रहा है और उन्होंने सीधे सीधे अखबारों में आ गया, कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि अब वो पुरानी जो नीति थी उसी नीति पर हम कायम रहे। तो इस प्रकार से बार बार ये लाखों नौजवानों के सर पे इनका जो लात ये मार रहा है, उनके विश्वास पर ये कुटाराघात कर रहे हैं। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण विषय, इसलिए हम लोगों ने मांग किया है सदन कि मुख्यमंत्री सदन में आकर के इस पर अपना स्टेटमेंट दे, या जो लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो गया इस राज्य के अंदर, जो भावपूर्ण स्थिति हो गई है, उसको सदन चल रहा है, चलते समय में उनको आगे इस विचार को साफ करना चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा कि माननीय लोगों ने मेंशन किया था, जैसा नीलकंठ मुंडा जी ने कहा, यह तो अवमानना का मामला बनता है। सदन में आप अखबारों के माध्यम से सूचना दे रहे हैं, वो भी कल तक हम लोगों ने इनकार किया, आज हम लोग इन विषय पर बने। तो होली का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं भाई? जब युवाओं के भावा उनके उनकी होली आप मनने नहीं दे रहे, लाखों युवाओं के जो तैयारियां चल रही थी परीक्षा पर, उस पर कुठाराघात हो गया, तो फिर ये सरकार को होली खेलने का क्या अधिकार है? जनता आपको जिस विश्वास के साथ भेजी थी, आपने वादा किया था कि 5 लाख लोगों को पहले ही साल में हम नौकरी देंगे, और आज 500 लोगों को सरकार का वादा खिलाफ है। हम लोग बाइकआउट पूरी तरह से कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोगों ने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री आकर के इस पर क्लियर नहीं करेंगे अपने तो आज सरकार के द्वारा आयोजित होने का हम भी बचता है। ओके सर, हम लोगों ने सदन के बाहर जो सरकार के पर सदन के बाहर सरकार के द्वारा जो होली का आयोजन किया गया, इसका हम लोगों ने बहिष्कार इसलिए किया है कि राज्य के लाखों नौजवानों के लिए जो नियोजन नीति सरकार ने 1932 का नियोजन नीति लेकर सरकार ने सदन में आई थी, उसमें पूरे सदन में हम लोग सत्ता विपक्ष दोनों ने एक साथ उसको पारित करने का काम किया। और आज आप जो सदन को बिना विश्वास में लिए हुए कैबिनेट से 2016 के पहले का कोई नियोजन नीति आपने पास किया है, हम लोगों ने अखबार में पढ़ा, वो नियोजन नीति क्या है, युवाओं के लिए कैसा नियोजन नीति आप ला रहे हैं, 32 का क्या हुआ, या थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में जो 24 जिला को आश्रित किया गया था मेरी सरकार के द्वारा यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों के लिए, उस पर आपने क्या निर्णय लिए? ये सरकार को और सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो मुखिया है सरकार के, उनको सदन में बताना चाहिए और सदन को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि सदन को विश्वास में लेकर ही नियोजन नीति आपने पास किया था, यही मांग हम लोग का है। ये सरकार जवाब नहीं दे रही है, इसलिए हम लोगों ने आज का होली का आविष्कार किया। होली नहीं, सदन में जो पास हुआ है उसको आप कैबिनेट पास करके बिना सदन के विश्वास में लिए हुए आप पास करके इसको आप मनचाहा निर्णय लेंगे, ये सदन कैबिनेट से ऊपर है। इसलिए चाहिए था सबसे पहले सरकार को कि हम सदन में इसकी चर्चा कराएं, चर्चा कराने के बाद ऐसे चाहे जो भी आम महसूस सहमति बने उसको लागू लाना चाहिए था, लेकिन इस परिस्थिति में 1932 का को मान करते हुए और इतने सालों तक उसको लटकाए रह गए और फिर ऐसे लॉकडाउन चल गया, जिसके बाद मामला टाइम चला गया और लाखों युवाओं का कहिए कि मंच अलग लटक गया, ये कहिए कि सरकार का कहिए कि ये फेलियर है इस सेंस में। इसलिए ऐसे सबसे पहले हम लोगों ने ये कहा है कि सरकार को ये वक्तव्य देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस पर वक्तव्य देना चाहिए कि आखिर
25 को किस प्रकार से आपने ला करके कैबिनेट में आप रन डाउन किए, और इसके बाद 2016 की स्थिति को आप लाना चाहते हैं, और भी 2016 का कब लाना चाहते हैं जो हमारी सरकार रघुदासी की सरकार 1985 को लाया था, तो क्या वही लाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, इस पर आपको वक्तव्य देना चाहिए। और वक्तव्य देने से ही सरकार भाग रही है, इसलिए हम लोग इसको करने का काम किया है। और निश्चित रूप से जो लाखों युवाओं का भविष्य का सवाल है, करोड़ों हसुई है झारखंडियों का, होली मिलन का बहिष्कार क्यों कर दिया ये? और बहिष्कार की बात सरकार ने सोच पूरे देश के राज्य के युवाओं के साथ इस प्रकार से एक विश्वासघात करें काम करिए, तो होली ऐसे मनाने का इनका कोई माने मतलब नहीं है। होली को इनको ये कि स्थगित कर देना चाहिए कि क्योंकि लाखों युवाओं का भविष्य की बात है, इस पर सरकार को मतलब दिए होना विश्वास में नहीं होगा, इस प्रकार से कार्य करना निश्चित रूप से उचित नहीं है।